अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठ पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सब्जियों के भावों ने छुआ आसमान, बिगड़ रहा किचन का बजट। अरहर की मिश्रित खेती करके किसान कमा सकते हैं अधिक मुनाफा। मौसम में बदलाव के साथ ही सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण लोगों के किचन से मिर्च टमाटर जैसी प्रतिदिन उपयोग में आने वाली सब्जियां भी दूर होती जा रही हैं। पिछले 10 से 15 दिनों में सब्जियों के भाव 4 से 5 गुना तक बढ़ गए हैं। टमाटर हुआ और अधिक लाल, मिर्च हुई और तीखी। इसके साथ ही अन्य सब्जियों के रेट काफी अधिक बढ़ गए हैं और सब्जियों के रेट अधिक होने से लोगों का किचन का बजट बिगड़ रहा है। सब्जियों के बढ़े हुए दामों को लेकर सब्जी विक्रेताओं और ग्राहकों से बात की हमारे संवाददाता ने। पिछले 4-5 दिन में बाजार में सब्जियों के भाव आसमान पर हैं। आम आदमी की रसोई बहुत ही महंगी होती जा रही है। जो हालात हैं आप देख सकते हैं कि सब्जी मंडी में यहाँ पर जो टमाटर 4-5 दिन पहले 20 रुपए किलो आसानी से मिल रहा था, उसके भाव 100 को पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से घिया, टिंडा और गोभी से लेकर के अदरक, अरबी, बैंगन, तमाम चीज़ों में भाव बहुत तेज़ी पर हैं। फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर बाजार में ख़रीदारी कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या हालात हैं, क्या ख़रीदारी की है आपने? मैंने सर अभी खीरा और नींबू लिए है। क्या स्थिति है अभी? कुछ दिन पहले 30 रुपए थे, अभी 50 रुपए किलो का खीरा है। 50 रुपए किलो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं, खरीदारी कर रहे हैं। सर, क्या लेने आए हैं आप? टमाटर सर। क्या भाव बताए टमाटर? 100 रुपए। 100 रुपए किलो। तो पहले किस काम में लेंगे टमाटर? सब्जी के लिए ले रहे हैं सर। तो अब टमाटर सोच समझ के खाना पड़ रहा होगा थोड़ा बहुत? पाव पाव ले जा रहे हैं सर। पाव पाव करके ले जा रहे हैं जी। बिल्कुल आम आदमी की स्थिति देखिए कि आप पाव पाव करके टमाटर ले जाने पड़ रहे हैं। यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करें कि हालात है, कौन कौन सी सब्जियों पर क्या क्या भाव में उतार चढ़ाव है। सर, टमाटर पहले 20 रुपये बिकता था, अब 100 रुपये हो गया। टिंडे में पहले 60 बिकता था, वो भी टिंडे भी 100 हो गए। फिर गोभी भाव बढ़ गए, 100 हो गए। और ये लौकी के भी बढ़ गए, पहले 20 रुपये बिकता था, अब 40 रुपए लौकी हो गई। धनिया 160 हो गई, पहले 40 रुपए 30 रुपए में आता था। ये सारी चीज में आप देख सकते हैं कि दाम बढ़े हैं। एक महिला है जो हाउसवाइफ है, गृहिणी है। मैम, आपसे बातचीत करेंगे, आपने खरीदारी की, कितना बदलाव आया है और क्या देखने को मिल रहा है? क्या क्या सब्जी खरीद रहे हैं, किस किस पे दाम बढ़े हैं? दाम हर सब्जी पे बढ़ गए। कितने कितने बढ़े हैं? कम से कम 20-30 रुपए बढ़ गए सभी सब्जियों पर करीब करीब। तो आपकी जो गृहस्थी का खर्च था रसोई का सुबह शाम का, उस पर कितना फर्क पड़ा होगा? बहुत सारा फर्क पड़ गया। काफी फर्क पड़ा है? काफी फर्क पड़ गया जी। अब जो आम आदमी के लिए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। मुश्किल आ रही है एकदम, बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है।
तो ये आप देख सकते हैं कि विक्रेता हैं, क्रेता हैं, हाउसवाइफ हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और ये यहाँ पर बाज़ार का जो सीधा आप देख सकते हैं कि नज़ारा एकदम से सब्जियों के जो भाव आसमान पर पहुँचे हैं, काफ़ी हद तक बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है बहुत सी चीज़ों में। जो लहसुन का भाव था वो भी काफ़ी तेज़ बताया जा रहा है। पहले क्या भाव था लहसुन भैया? पहले 60 रुपए किलो थे, अब 140 हो गए। 140 रुपए किलो हो गया है जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये बाज़ार के अंदर ख़रीदार भी मौजूद हैं, परिवार भी मौजूद हैं, गृहणियाँ भी मौजूद हैं और सारे हालात सबके सामने। जिस तरह से जो हालात पेश आ रहे हैं सब्जी मंडी के अंदर, जो बाज़ार भाव हैं वो आसमान पर हैं। फिलहाल बरसात के मौसम में जो तब्दीली आई है, सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि महंगाई से थोड़ी राहत मिले ताकि जो घर गृहस्थी का खर्च है वो थोड़ा कम हो। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। महज कुछ दिनों पहले सब्जियों के दाम आधे से भी कम थे, वो अब आसमान छू रहे हैं। बारिश के बाद खेतों में सब्जी की फसल के खराब होने से अचानक दामों में वृद्धि हुई। राज्य में बारिश का असर सीधा सब्जियों के दामों पर पड़ा है। टमाटर, लौकी, भिंडी, गोभी और नींबू ही नहीं, अन्य सब्जियों का भी यही हाल है। कोटा में बारिश के चलते सब्जियों के भावों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। धान मंडी यानी गुमानपुरा इलाके के एक सब्जी मंडी में हम पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर तो 100 रुपए किलो से पार बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं क्या सब्जियों के भावों में ज्यादा बढ़ोतरी? हाँ भाई, ये बारिश की वजह ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। क्या कर रहा है आजकल, माल नहीं है, क्या टमाटर धनिया सब महंगा है। अभी बारिश बाद में हो जाएगा कम भाव। टमाटर सब्जी लेना है क्या भाव? पहले 40 रुपए किलो मिल रहा था, अभी 100 रुपए किलो हो रहे हैं। बारिश की वजह से भाव बढ़ रहा जा रहा है। ये तो भाव बढ़ चुके हैं, मैंने 100 रुपए के लिए टमाटर लिए। बढ़ती महंगाई के कारण और ज्यादा पब्लिक परेशान है। खाना कमाना 250 रुपए किलो, खाना कमाना बहुत दुश्वार हो रहा है। मैडम आप सब्जी खरीदना है क्या, सब्जी के भाव क्या देख रहे हैं? सब्जी के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए, मतलब जिसमें टमाटर और अदरक तो बहुत ज्यादा ही कॉस्टली हो गए। इससे मतलब सब्जियां किचन में टमाटर थोड़ा कम ही यूज करने लग गए, काफी ज्यादा महंगी हो गई है। और दूसरी सब्जियों भी के रेट में मतलब 15 दिन पहले काफी कम थे और अभी तो बहुत ही ज्यादा है। तो दूसरे शहरों की तरह कोटा में भी सब्जियों के जो है भाव आसमान छूने लगे हैं। टमाटर 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं, जबकि अदरक 200 रुपए किलो से भी पार पहुंच चुके हैं, जबकि कई अन्य सब्जियों के भावों में भी भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि बारिश के चलते सब्जियों के भावों में भारी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। शहर के अलग अलग इलाकों में हालांकि भावों में कुछ जो है अंतर भी आ रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बारिश के चलते कोटा की सब्जी मंडी में भी कई सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। बारिश होने से सब्जी की फसल, खासकर हरी सब्जियां और बेल वाली फसलें खेतों में ही खराब हो गई। इससे बाजार में टमाटर, लौकी, तोरई जैसी सब्जियों के दामों ने भी आसमान छू लिया। सब्जियों के बढ़े हुए दामों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। मौसम में बदलाव के बाद सब्जी महंगी हो चुकी है। हम दौसा की सब्जी मंडी में खड़े हैं और यहाँ सब्जी महंगी है और जो ग्राहक आए हुए हैं वो काफ़ी परेशान हैं। या तो वो सब्जी की मात्रा कम कर दी है और या फिर वो सब्जी नहीं लेकर जा रहे हैं। हम कुछ जो सब्जी लेने आए हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या लेने आए हो और सब्जी की महंगी कितनी सब्जी है यहाँ पर? सब्जी बहुत महंगी पड़ गई। क्या क्या महंगा हुआ है? टमाटर, मिर्ची और कैरी। आप बताओ कितनी महंगी हो गई सब्जियाँ? चौपनी भाव में हो गई 80 रुपए किलो टमाटर हो गए, 60 रुपए किलो मिर्ची हो गई, खीरे हो गए 50 रुपए किलो, 20 के 50 हो गए। इसीलिए बहुत महंगी हो गई। पहले 2-2 किलो ले जाते थे, सलाद भी खा लेते थे, अब सब्जी में डालने में मुश्किल है। 20 के पाव भर टमाटर लेना वो क्या काम हो गया। चलो और भी ग्राहक हैं, आप बताओ क्या लेके जा रहे हो, कितनी महंगी सब्जियाँ? सब महंगे डबल भाव हो गए। पहले तो 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो मिल जाती थी, अब उनके भाव 50 रुपए किलो हो रहे हैं, डबल डबल भाव हो रहे हैं। टमाटर तो 100 रुपए के समथिंग हो गए। और हम एक व्यापारी से बात कर लेते हैं, आप ये पता लगाते हैं कि दौसा में सब्जियों के भाव क्या है, जो यहाँ के आप बताओ सब्जियों के भाव दौसा में क्या है, कौन कौन सी सब्जियाँ महंगी हुई हैं पिछले दिनों? करीबन सारी सब्जियाँ, कुछ सब्जियों को छोड़कर जैसे आलू, प्याज है, करेला, इन सब्जियों को छोड़कर सारी सब्जियाँ महंगी हो गई। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। News 18 India लेकर आज हमारा धंधा प्रदर्शन चल रहा था, उसे विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस द्वारा हमारे साथियों पे, हम सब पे
जो युवाओं से स्टूडेंटों पर जो लाठीचार्ज किया गया है वो विश्वविद्यालय मिली भगत है। और विश्वविद्यालय अगर जब तक हम प्रत्येक छात्र की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहाँ डटे हुए हैं और हमारे शरीर में जब तक जान है तब तक हम छात्रों के लिए लड़ेंगे। क्या मांग लेके आए थे आप लोग? यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी द्वारा नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था वो बंद पड़ी है। एमपैट की, वाईफाई की, जो हमारी कैंटीन थी वो बंद कर दी गई है। नए हॉस्टलों की, अच्छे खाने की, ऐसे बहुत सारी हमारे 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आए थे। आप इस प्रदेश की विश्वविद्यालय की सरकार के हालात देखे, यहाँ का आम विद्यार्थी अपनी मांग नहीं मनवा सकता। यहाँ की भ्रष्ट सरकार और ये प्रशासन इतना डरा हुआ है कि पुलिस प्रशासन का सहारा लेता है। आम कार्यकर्ता आम विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करा गया था। प्रशासन किया पुलिस ने आप लोगों के साथ? पुलिस ने हम पे लाठीचार्ज किया है। आम विद्यार्थियों के चोटे जर्जर बर्बर तरीके से हमें ऐसे घसीटा गया है। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अरहर एक लंबी अवधि वाली फसल है जो कि खेत में लंबे समय तक रहती है, लेकिन कभी कभी जल भराव, कम वर्षा या कीट व्याधियों के प्रकोप के कारण किसानों को इस फसल से वो लाभ नहीं मिल पाता है जो कि उन्हें मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में किसान अगर अरहर के साथ दो या दो से अधिक अंतर्वर्ती फसलों की खेती करे तो वह होने वाले इस नुकसान से बच सकते हैं। तो किसान भाई, खरीफ में अरहर के साथ अंतर्वर्ती फसलों की खेती किस तरह से करें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार सिंह। अरहर में अधिक उत्पादन हेतु अंतर्वर्ती फसलों की खेती, किसान भाइयों, इसके लिए हमें यथासंभव अरहर की बुआई मेड़ों पर कतारों में करनी चाहिए। अरहर की बुआई के समय ही हमको विभिन्न दलहनी या तेलहनी फसलें या अन्य फसलों को अंतर्वर्ती फसलों के रूप में उगा करके लाभ लिया जा सकता है। किसी एक फसल के साथ दूसरी फसल को उगाना जिसमें कि एक फसल का दूसरी फसल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े बल्कि एक फसल से दूसरी फसल को फायदा ही मिले, ऐसी विधि को सह फसली खेती कहते हैं। सह फसली खेती करने में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि दोनों फसलें एक जाति की नहीं होनी चाहिए, एक फसल की छाया दूसरी फसल पर नहीं पड़नी चाहिए, दोनों फसलों का पोषक तत्व उपयोग करने का स्तर अलग अलग होना चाहिए, सहयोगी फसल मुख्य फसल से जल्दी पकने वाली और बौनी होनी चाहिए, सहयोगी फसल के कीट एवं रोगों का फैलाव मुख्य फसल पर नहीं होना चाहिए, वही सहयोगी फसल मुख्य फसल के बढ़वार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हो। यदि अरहर के साथ उगाई जाने वाली सह फसल की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से अरहर और मक्का, अरहर और मूंगफली, अरहर मूंग या उड़द, अरहर और तिल, अरहर और बाजरा तथा अरहर ज्वार आदि की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो अरहर की विभिन्न प्रजातियां जैसे मालवी 13, बहार, नरेंद्रवन, इन प्रजातियों को लगाया जा सकता है। तो जनरली हम अरहर की बुआई 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं, लेकिन जब हम अंतर्वर्ती फसल के रूप में खेती करना चाहें तो कोशिश करना चाहिए कि कतारों से कतारों के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर रखें, और अगर हमें उसमें सोयाबीन लेना है तो दो कतार सोयाबीन का ले लेंगे, मतलब 1:2 का रेशियो, एक कतार अरहर का फिर दो कतार मड़ुआ का, या दो कतार सोयाबीन का या दो कतार मूंगफली का, और अगर हमें बाजरा लेना है या फाडर सुरघम लेना है तो एक कतार अरहर का 90 सेंटीमीटर के बीच में, फिर उसी में एक कतार हम बाजरे का या हडर सुरघम का ले लेते हैं। तो इस प्रकार से कतारों के बीच में हमें प्रबंधन करना होता है और कोशिश करना चाहिए कि पर्याप्त स्पेस रखें। तो हम बात करते हैं अरहर के साथ
बाजरे का अंतर्वर्ती फसल है। तो बाजरे की कुछ प्रजातियां हैं, उषा हाइब्रिड 1201, उषा हाइब्रिड 1202, जैसे प्रोग्रो 5450, 5450 प्लस इत्यादि को अंतः फसलों के रूप में लिया जा सकता है। बाजरे की इन प्रजातियों को कतारों के बीच में एक लाइन अरहर और एक लाइन बाजरा का दे दिया जाता है। इस प्रकार बाजरे की भी उत्पादन हो जाती है और अरहर की भी उत्पादन हो जाती है और किसान भाई को ज्यादा लाभ मिलता है। अरहर और मक्का की सह फसली खेती। अरहर की बहार नरेंद्र 1, पूषा 9 या अमर में से किसी एक प्रजाति का चयन कर इसकी बुआई जुलाई माह में करते हैं। अरहर में 90 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं। अरहर पंक्ति के बीच मक्के किस्म की दो पंक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। इसके लिए अरहर की बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा मक्का की बीज दर 10 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। मक्का बुआई के समय यूरिया 25 किलो, डीएपी 88 क्यूरेट ऑफ पोटाश 51 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जमाव के 15 दिन पर पहली निकाई एवं 35 से 40 दिन पर दूसरी निकाई करें। मक्का की सिल्किक अवस्था पर नमी की कमी रहने पर सिंचाई करें। अरहर, मूंग और उर्द की सह फसली खेती। उर्द की किस्मों जैसे टाइप 9 पंत उर्द 19 या मूंग की पंत मूंग 1, पंत मूंग 3 तथा नरेंद्र मूंग 1 में से उपयुक्त प्रजातियों का चुनाव कर बुआई करें। अरहर की दो पंक्तियों के बीच उर्द या मूंग की दो पंक्तियों की बुआई करें। अरहर का बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा उर्द या मूंग की बीज दर 10 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। 2 ग्राम कार्बेन डांजिम दवा से प्रति किलो बीज को शोधित करें तथा अरहर के बीज को राइजोबियम कल्चर से बीज उपचारित अवश्य करें। दूसरा है अंतर्वर्ती फसल ज्वार। ज्वार में किसान भाई उसको दाने के पर्पस से भी ले सकते हैं और ज्वार को आप चारे के पर्पस से भी ले सकते हैं। अगर चारे के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पर आप चारे वाली प्रजातियों को लें, जैसे रसीला है, एमपी चेरी है और बहुत सी प्रजातियां हैं, इनको आप ले सकते हैं। मेड़ पे बोई गई अरहर के एक कतार के बीच में एक कतार चारे के लिए जा सकती है। इससे आपको 60 से 65 दिन बाद चारा की कटाई कर ली जाती है, हरा चारा पर्याप्त मात्रा मिल जाता है और साथ ही साथ अरहर पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और अरहर का उत्पादन मुख्य फसल जैसा ही होता है। ठीक इस तरह से हम अरहर के साथ सोयाबीन को भी ले सकते हैं। कुछ किसान भाई परंपरागत तरीके से अरहर और मूंगफली की भी खेती करते हैं, लेकिन ध्यान देना होता है कि मूंगफली और अरहर का अंतर्वर्ती फसल उन्हीं एरिया में सफलतापूर्वक ली जा सकती है जहां की जमीन हल्की डोमट या डोमट प्रकार की हो। और मूंगफली की विभिन्न प्रजातियाँ जो कि अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से 15 नवंबर तक खुदाई हो जाती है, उसके बाद अरहर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और अरहर का बढ़वार होता रहता है और फरवरी मार्च तक अरहर की भी कटाई हो जाती है। अरहर का जो पोषक तत्व रिक्वायरमेंट है, जो पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, वो 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश देने की ज़रूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर। लेकिन जब हम इसमें अंतर्वर्ती फसलें लेते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अंतर्वर्ती विभिन्न फसलों की जो पोषक तत्व रिक्वायरमेंट है उसका कम से कम आधा मात्रा अवश्य दें, जबकि अरहर का पूरा पोषक तत्व हमें देना पड़ेगा। आइए अब जानकारी लेते हैं सह फसली खेती में रखी जाने वाली सावधानियों पर। मुख्य फसल की बुआई पहले करें, बाद में गौड़ फसल की बीज को आपस में मिलाकर बुआई न करें। गौड़ फसल की फसल अवधि कम होनी चाहिए और इसकी कटाई सावधानी पूर्वक करें, जिससे कि मुख्य फसल को कोई क्षति न हो। किसान भाइयों, इनमें बीजों की बुआई के पूर्व इनको फफूंद नाशक दवा से अवश्य उपचारित करें तथा दलहनी फसलों के बीजों को उपयुक्त जैविक कल्चर से उपचारित करें। तो इस प्रकार हम विभिन्न फसलों का अरहर के साथ अंतर्वर्ती खेती करके अरहर के उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं, मुनाफा भी हम ज़्यादा ले सकते हैं। साथ ही साथ दलहनी फसलों के लेने से मृदा क्षरण भी नहीं होता और मृदा का जो उत्पादकता है, भौतिक अवस्था है, रासायनिक अवस्था है, वो भी बरकरार रहती है। तो इस प्रकार अरहर के साथ विभिन्न प्रकार की अंतर्वर्ती फसलें जो है किसान के लिए बहुत ही लाभकारी।
आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हमारे सर में लाठियां मारी गई है, इसे विद्यार्थी बहुत घायल हुए हैं। कार्यकर्ता आपको भी क्या पुलिस ने मारा है? निश्चित पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, आम छात्र के ऊपर लाठी चार्ज किया है। जब हम छात्रों की जायज मांग को लेकर यहाँ पहुंचे तो हमें किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया और डायरेक्ट हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवा दिया। कई साथियों के गंभीर चोटें आई हैं और आम छात्र पर जो लाठी चार्ज करके एक मैसेज दिया है, ये हिंसा का माहौल राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर यूनिवर्सिटी प्रशासन बनाना चाहता है, लेकिन हम लामबंद होकर, संपूर्ण छात्र शक्ति लामबंद होकर विश्वविद्यालय प्रशासन डटी हुई और अपनी मांगों को बनवाई। पुलिस फिर से एक्शन मोड में आई है, देखिए आप नजारा देखिए, पुलिस वापस से जा रही है बैरिकेडिंग की तरफ और बैरिकेडिंग जो तोड़ने वाले छात्र थे उन्हें यहां से खदेड़ा जो गया था, वो वहां से कूद करके आ गए थे, उन्हें वापस ले जा रहा है। बैरिकेडिंग को वापस से खड़ा किया पुलिस के जवानों ने और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि वो लोग वहां पर नहीं रुके और उन्हें यहां से हटा दिया जाए, खदेड़ दिया जाए, मगर ये प्रदर्शन यहां पर लगातार जो है वो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों के दौरान बादल छाए रहने की संभावना है और मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इन 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 81% तक रहेगी और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 41% तक रह सकती है। हवा की औसत गति 11 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों की सिंचाई और फसलों पर किसी भी प्रकार के रासायनिक दवाओं का छिड़काव कुछ समय के लिए टाल दें। फसलों की बुआई मौसम साफ होने पर करें। ग्वार फसल की बुआई का उपयुक्त समय है। किसानों को करण ग्वार 1, आरजीसी 1033, आरजीसी 1066, आरजीसी 1038, आरजीसी 1031, आरजीसी 936, आरजीसी 1017, आरजीसी 1055 उन्नत किस्मों के बीज का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। बुआई के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। अंगमारी रोग की रोकथाम के लिए बीज को बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 250 ppm एग्रोमाइसिन के घोल से उपचारित कर लें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बाजरे की बुआई का उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के तृतीय सप्ताह तक है। बुआई मौसम साफ होने पर ही करें। किसान भाइयों को आरएचबी 223, आरएचबी 234, आरएचबी 177, आरएचबी 173, आरएचबी 154, एचएचबी 299, एचएचबी 67 इम्प्रूव, राज 171, एमपीएमएच 17, एमपीएमएच 21 उन्नत किस्मों के बीज का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। बुआई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें।
पंक्ति से पंक्ति की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। मूंगफली की बुआई का उचित समय है। मूंगफली की उन्नत किस्मों में आरजी 382, टीजी 37A, आरजी 425, आरजी 510, आरजी 559-3 व गिरनार 2 का चयन करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम खादीपुर जिला बूंदी के किसान जीतेश कुमार ने। आप बैंगन की उन्नत किस्मों पर जानकारी चाहते हैं, तो जीतेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। देखिए बैंगन में अगर हम प्रजातियों की बात करें तो इसमें आप देखते हैं कुछ गोल तरह के बैंगन आते हैं, कुछ लंबे बैंगन आते हैं और कुछ छोटे छोटे बैगन आते हैं। तो गोल बैगन में आपका जैसे पूसा उपकार भी है, पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है। दूसरी एक प्रजाति होती है देखते हैं जो लंबे में होती है और गुच्छे में भी फलती है, तो पूसा हाइब्रिड 5 जो है बहुत ही अच्छी प्रजाति है। छोटे बैगन में भी देखा जाए तो पूसा बिंदु है आपका, जो है पूसा अंकुर है, तो इसमें पैदावार जो है 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। दूसरा जो पूसा हाइब्रिड 6 और 9 है वो भी मार्केट की दृष्टि से बहुत अच्छा है और उसमें पैदावार लगभग जो है 600 से और 800 कुंतल के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार आती है और इसमें लगभग एक हेक्टेयर में आपको जो है 30,000 से लेकर के और 45,000 की सीडलिंग की जरूरत पड़ती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataRajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889263 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।